हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा आज का टॉपिक है मास्टरब्यूशन। देखते हैं मास्टरब्यूशन क्या होता है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और बेनिफिट्स क्या हैं। मुझे दिन में कम से कम 50 मैसेजेस आते हैं, जिसमें से मोस्टली लोग मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि क्या मास्टरब्यूशन गलत है, क्या ये सेहत के लिए बुरी है, क्या मास्टरब्यूशन से पिंपल निकल आते हैं, क्या इससे हेयर फॉल हो जाता है, क्या मास्टरब्यूशन से मेरी आंखें खराब हो जाएंगी, क्या इससे ताकत में कमी होगी, क्या मास्टरब्यूशन से मेरे पेनिस का साइज कम हो जाएगा, क्या इससे जहनी बीमारियाँ होती हैं, क्या मास्टरब्यूशन की वजह से मेरी शादी में प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं आप सबको इन सब बातों का एक ही जवाब दूंगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब बातें बगैर किसी प्रूफ के कही गई हैं और सच बात ये है कि मास्टरब्यूशन हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि मास्टरब्यूशन एक लत है और इस बात से वो भी लोग परेशान हैं जो वीक में एक बार मास्टरब्यूशन ज़रूर करते हैं। क्यों हमको ये चीज़ बचपन से सिखाई गई है कि सेक्स से रिलेटेड हर चीज़ शर्मनाक है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप रोज़ भी मास्टरब्यूशन करते हैं तो आप इसके आदी नहीं होते और ना ही आपको इसकी लत लगती है। और अगर हाथ से लुत्फ लेना आपकी लाइफ या फैमिली पर कोई असर नहीं डाल रही तो ये सब नॉर्मल है। मास्टरब्यूशन इज़ द हेल्दी पार्ट ऑफ योर लाइफ। आजकल पोर्न वीडियो और मास्टरब्यूशन की बात एक साथ की जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मास्टरब्यूशन सेहत के लिए बहुत मुफीद भी हो सकती है, क्योंकि इससे आपकी बहुत सारी टेंशन्स रिलीज हो जाती हैं और आप दुनिया की तमाम प्रॉब्लम से दूर हो जाते हैं। एट द एंड यही कहना चाहूँगी कि मास्टरब्यूशन एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है और ये हर कोई करता है, बस कुछ लोग बता देते हैं और कुछ लोग छुपा लेते हैं। मास्टरब्यूशन से रेप होने के खतरात भी बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि वो अपनी डिज़ायर्स अपने हाथों से पूरी कर लेते हैं। मास्टरब्यूशन से प्रोस्टेट कैंसर के केसेस भी बहुत कम हो गए हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लीव अ कमेंट फॉर मी, एंड इफ़ यू वॉन्ट